الهلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا لأن رمضان يجمعنا السلام عليكم everyone hope आप सब ठीक होंगे अल्लाह ताला सबको अपने ज़िम्मान में रखे आमीन जी तो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे द मोस्ट वांटेड सैंडविचेस जो हैं पिकनिक सैंडविचेस उनकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन सैंडविचेस भी कह सकते हैं और हर चीज़ के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं इनको लाइक बच्चों को भी दे सकते हैं लंच में पिकनिक पे भी यूज़ कर सकते हैं आप और नॉर्मली भी हमने तो ये इफ्तारी के लिए की थी इफ्तारी की ही तैयारी हो रही है यहाँ पे तो यहाँ पे मैं लेफ्ट ओवर चिकन जो है वो यूज़ कर रही हूँ वेजेस मैंने काट के रख ली हुई हैं जो भी वेजेस आपको पसंद हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं इसमें तो मैं यहाँ पे लेफ्ट ओवर चिकन था इसको मैंने ये डाला पैन में थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा गार्लिक अंदर चॉप करके डाला मैंने वेजेस जो हैं आपने मेक श्योर करनी है कि बहुत आपकी अच्छे तरीके से फाइनली चॉप्ड होनी चाहिए ठीक है तो मैं यहाँ पे कैरेट यूज़ कर रही हूँ आइसबर्ग यूज़ कर रही हूँ एंड ग्रीन अनियन यूज़ कर रही हूँ इसमें और क्यूकम्बर का मैंने उसको अच्छी तरह से श्रेड करके तो मैंने उसको उसका पानी बेसिकली निकाल लिया हुआ है सो यहाँ पे चिकन को मैंने गरम करने के लिए डाल दिया हुआ है पैन में और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाली है सॉरी 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून वाइट पेपर है और 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड किया है और 1 टीस्पून इसके अंदर गार्लिक पाउडर यूज़ किया है तो चिकन को पैन में इसलिए कर रही हूँ ताकि चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए क्योंकि आपको पता है लेफ्ट ओवर चिकन जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है सो इसी वजह से उसको थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए मैं इस तरह पैन के अंदर कर रही हूँ अदरवाइज आप इसको अगर बॉईल कर रहे हैं तो आप जस्ट उसको चिकन को पुल्ड चिकन आपने उसको कर लेना ठीक है उसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं सो यहाँ पे मैं उसकी सॉस रेडी कर रही हूँ जो स्प्रेड हमने बनाना है वो मैं रेडी कर रही हूँ उसके लिए आप मेयो ले लें लाइक 5 टेबलस्पून आप मेयो के ले लें और क्रीम चीज़ पड़ गया तो क्रीम चीज़ ऐड कर लें अंदर ऑप्शनल है क्रीम चीज़ जैसे और यहाँ पे मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डाली है एंड 1 टीस्पून इसके अंदर वाइट पेपर है और सॉल्ट अभी मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी और 1 टीस्पून इसके अंदर है गार्लिक पाउडर है सॉल्ट इसलिए ऐड नहीं करूँगी क्योंकि सॉल्ट इसमें नॉर्मली तेज़ हो जाता है मेयो में भी सॉल्ट होता है और जो गार्लिक पाउडर है उसमें भी सॉल्ट होता है सो बड़ी क्विक एंड ईजी रेसिपी ये है तो जैसे ही आपका चिकन जो है वो ठंडा हो तो आप इसमें अपने बैटर के अंदर डाल दें जो आपने स्प्रेड बनाया है और जो हमारी वेजीज़ हैं उनको आपने साथ ही एज इट इज़ डालना है उनको नहीं आपने बिल्कुल भी गर्म करना क्योंकि वेजीज़ के जो क्रंच हैं वो अच्छे लगते हैं बट बड़े चंक्स नहीं होने चाहिए आपके छोटे छोटे से होने चाहिए चंक्स इसमें मैंने जस्ट कैरेट्स को जो एज इट इज़ डाला है क्रश करके बाकी जो वेजीज़ हैं वो मैंने बहुत फाइनली चॉप की हुई हैं इसके अंदर आपको पता है बड़े बड़े चंक्स जो हैं वो स्प्रेड्स के अंदर अच्छे नहीं लगते हैं स्पेशली जो सैंडविचेस के स्प्रेड्स होते हैं तो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं और आपने मिक्सिंग करनी है और इस लेवल पे आके आपने सॉल्ट भी चेक करना है और अपना मेयो का जो लेवल है वो भी आपने चेक करना है क्योंकि मेयो जो है मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी मैंने 1 टेबलस्पून और इसमें ऐड कर लिया है मेयो का तो ये स्प्रेड जो है आप 1 वीक तक रख भी सकते हैं इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं ठीक है इसमें मुझे थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी कम लग रहा था तो मैं 1 टीस्पून जो है वो भी इसमें ऐड किया और वाइट पेपर भी मैंने ऐड किया है तो यहाँ पे आपने जो सॉफ्ट ब्रेड है वही यूज़ करनी है आपने बिल्कुल भी इसको टोस्ट नहीं करना ब्रेड को क्योंकि ये स्प्रेड जो है ये आप सॉफ्ट ब्रेड पर ही यूज़ कर सकते हैं और मतलब बहुत मज़े का लगता है ये और आपने ब्रेड के ऊपर इसके जेनरस अमाउंट यूज़ करना ये नहीं है कि थोड़ा सा यूज़ करना क्योंकि आप डबल ब्रेड का इसका बना रहे हैं सैंडविच तो इसलिए जो स्प्रेड है वो आपने अच्छा खासा इसमें ऐड करना है ठीक है तभी आपको इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा अगर आप कम यूज़ करेंगे तो इसका फ्लेवर आपको इतना स्ट्रांगली आएगा नहीं तो यहाँ पे आपने ये लगा के स्प्रेड दोनों स्लाइसेस को रख के एक दूसरे पे तो आपने इसके 4 पीसेस कर लेने हैं क्योंकि आपको पता है जब आप पार्टीज पे या पिकनिक्स पे या बच्चों को लंच भी देते हैं तो और इवन के इफ्तारी में जब हमने यूज़ किए थे तो मतलब इतना ही स्लाइस जो है वो खाया जाता है एक अच्छा लगता है ये जो साइज़ मैंने किया है और आपने प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त इसकी करनी है आपको पता है घर में भी अगर आप कर रहे हैं तो आप चीज़ों की प्रेजेंटेशन अच्छी करें तो वो ऑटोमेटिकली अटेम्प्टिंग लगती है दिल करता है खाने को यहाँ पे सैलड लीव्स में यूज़ कर रही हूँ और क्रिस्प यूज़ कर रही हूँ आप चाहें तो इसको जो क्रैकर्स होते हैं उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मुझे जो है सैंडविचेस पर्सनली क्रिस्प के साथ बहुत अच्छे लगते हैं तो इसी वजह से मैंने आप साइड बाउल में भी रख सकते हैं क्रिस्प मैंने थोड़ी सी ऊपर भी रखी थी और साइड बाउल पर भी रखी थी
और इतने ज़बरदस्त ही सैंडविचेस बनते हैं कि आप बिलीव करें, आप इजीली ये 4 सैंडविचेस तो आप खा सकते हैं। इसी वजह से इनके मैंने छोटे पीसीस किए हैं कि आप अगर ज़्यादा भी खा रहे हो तो आपको मतलब पता हो कि आप इतने खा रहे हैं। अगर 2 हम इसके पीसीस करेंगे तो वो ऑब्वियसली फिर ज़्यादा खाए जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनल लुक आप देख लें इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त। मुझसे बहुत लोगों ने इसकी रेसिपी पूछी थी, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी आपको बताया था कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत इजी एंड क्विक रेसिपी आपकी ये रेडी हो जाती है, और कभी भी कोई अनएक्सपेक्टेडली गेस्ट आ रहे होते हैं घर में तो आप क्विकली ये बना सकते हैं। चिकन तो ऑलमोस्ट सभी के पास होता है। होप आपको मेरी ये आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो। प्लीज़ गिव इट अ ट्राई एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।